पाकिस्तान में सोमवार को आतंकी हाफिज सईद की राजनीतिक पार्टी का आधिकारिक गठन हो गया है। पार्टी का नाम मिल्ली मुस्लिम लीग है। हाफिज सईद ने जमात उद्दावा के सीनियर सदस्य सैफुल्ला खालिद को पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। आतंकी संगठन जमात उद्दावा का मुखिया हाफिज सईद पिछले 6 महीने से पाकिस्तान में नजरबंद है, मगर बंद दरवाजों से ही उसने सियासत में हाथ आजमाने का खेल शुरू कर दिया है। हाल ही में हाफिज सईद ने अपने संगठन जमात उद्दावा की ओर से पाकिस्तान चुनाव आयोग में मिल्ली मुस्लिम लीग के नाम से राजनीति पार्टी को मान्यता देने के लिए अर्जी दी थी, जिसके बाद अब उसने पार्टी गठन की घोषणा की है। हाफिज सईद की नज़र 2018 में पाकिस्तान में होने वाले आम चुनाव पर है। जल्द ही पार्टी नए चेहरों का ऐलान करेगी। पार्टी गठन के दौरान कहा गया है कि वो कश्मीर का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाएंगे। हालांकि हाफिज सईद ने अब्दुल रहमान मक्की और खुद को पार्टी से दूर रखा है। बता दें कि पाकिस्तान में राजनीतिक उथल पुथल अपने चरम पर है। पनामा केस में नवाज शरीफ को पीएम की कुर्सी गंवानी पड़ी है। ऐसे में हाफिज सईद को ये मौका सबसे मुफीद नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जमात उद्दावा को लेकर अमेरिका भी चेतावनी जारी कर चुका है। अमेरिका ने पाकिस्तान सरकार को जमात उद्दावा के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी।